हेलो, ऑलराइट, द फेवरेट ओनली फैंस क्रिएटर इज हियर। आज का टॉपिक आज है अकाउंट रिव्यू। व्हाट द डॉग डूइंग। इस अकाउंट का नाम है निशाद राउत। साइकोलॉजिकल फैक्ट सीरीज इंप्रेस करने के लिए सबसे पहले कोई भी इंसान। हेलो गाइस, मेरा नाम है राघव और मुझसे नहीं हुआ। ये कैसा एआई आदमी है, कौन सा ये सोरा एआई है? सही सोरा है। नहीं लगता कि उस इंसान को तारीफ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और सारे 10 लोगों की इन्फॉर्मेशन स्टोर भी नहीं हो। मुझे बता क्या करना है। इफ यू लाइक समवन और उसकी दुनिया तारीफ कर रही है, तुम देखो उसकी बेइज्जती कर दे यार। छी, तुम जाके डायरेक्ट यही कर दो, पागल हो जाएगी वो। पागल, कोई लड़की दिख रही है तुमको इम्प्रेस करने वास्ते, तुम क्या करोगे? तारीफ करोगे? शिट नो, फक नो, कोई नहीं करता तारीफ। तुम जाके कैसे रिफ्लेक्स बना लो, तुम जैसे पहुंचो उसके पास वो पागल हो जाएगी। ये कौन सा रिस्पॉन्स है भाई, बहुत स्पेशल लड़का है, फिर तो तुम्हारे ऊपर लट हो जाए। उनका पूरा नाम, फैमिली मेंबर के नाम, बाप का, दादा का, भाई का, सबका नाम याद रखना है। ऐसी सारी छोटी छोटी चीजें जिस क्रीप लगोगे, क्रीप। वो कहेगी आज बताए क्या हुआ घर पे, मुझे बताया, पता है मुझे घर पे क्या हुआ। 9 बजे मैं ही बाहर खड़ा था। मैं नमस्कार, सीसीटीवी कैमरा मैंने फिट करवाया है। पर आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि आपके पापा के 2 अफेयर हो रहे हैं। कितना है ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे लोग तुम्हें हल्के में ले रहे हो या तुम्हें बता रहे हो वेट गेन करना है, हल्के में ले रहे हैं तो खाओ समोसे 100 के ऊपर जाके बैठ जाओ। क्वालिटी देख के ही चुनती है, उनका इंस्टिंक्ट उन्हें यही सोचने में मजबूर करता है कि क्या ये मेल मुझे और मेरे बच्चों को इस जंगल में सर्वाइव करवाने के लिए कैपेबल है। तो अगर आपको हाई वैल्यू फीमेल, जंगल कौन से जंगल में रह रहा है भाई, लगता तो वैसे तो जंगली है लेकिन यार ये इतने लोगों के सामने गाना पड़ेगा। अबे नहीं यार, मैं तो सुसु कर दूंगा गाते गाते। नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। वॉशरूम जा रहा है, वो नहीं जा रहे वॉशरूम, लग भी रहा है इसको कुछ स्टेज फियर है या कहीं पे भी परफॉर्म करने से पहले बहुत डर लगता है। मैं आपको बताऊं, आपको अगर स्टेज फियर है तो मत जाओ। यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स बनेंगे या स्कूल और कॉलेज की तरह अकेले साल गुजारने पड़ेंगे। एक मिनट, निशित भाई की साइकोलॉजी ट्रिक देखता हूँ फिर से। ये फोन लेके घूमता है कि क्या पता कोई दोस्त बनाने को मुझे मन कर जाए। और निशाद भाई की साइकोलॉजी ट्रिक्स इनको तो देख के मेरा खड़ा हो जाता। हर नॉर्मल इंसान इमोशनली ऑलमोस्ट सेम ही रिएक्ट करता है। सबसे पहले आपका शिकार, आई मीन जिसे फ्रेंड बनाना हो, आप उनसे बड़ी कन्वर्सेशन नहीं कर पा। भाई इसका क्या है, शिकारी है क्या, ये कैसा हंटर आदमी है भाई? नॉर्मल आदमी की तरह बात कर ले भाई, दोस्त बनाना है मुझे, शिकार करना है। आज मैं शिकार करने जा रहा हूँ। अच्छे लिसनर बनो, इससे तुम्हारा बॉन्ड और स्ट्रांग होगा क्योंकि उनकी सारी स्टोरीज और सीक्रेट्स अब तुम्हारे पास है। अगर तुम्हारे शिकार की बातें खत्म हो जाए। कौन बता रहा है सीक्रेट्स? कौन तुमको पहली मुलाकात में सीक्रेट बता दे रहा है? मुझे कोई जज तो नहीं कर रहा है अबे, सीधे खड़े होकर कुछ बोल ले। अगर आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है नीचे से खड़ा क्यों होता है, नीचे से पैंट देख रहा होती है। थैंक यू गाइस फॉर वेस्टिंग योर टाइम, सॉरी।